नमस्ते दर्शकों, तो मैं क्रिएटिव इंडस्ट्रीज से पूजा बात कर रही हूँ। तो दर्शकों, मैं आज आपको एक नए बिजनेस के बारे में आइडिया दूंगी जिसमें आप कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही ज्यादा मुनाफा कर पाएंगे। तो दर्शकों, आप तो देख ही पा रहे हैं सामने जो मशीन रखा हुआ है, जो स्क्रबर पैकिंग मशीन है। इसका नाम ही बस स्क्रबर पैकिंग मशीन है, लेकिन इससे आप सिर्फ स्क्रबर नहीं, इससे आप बहुत तरीका का जो गोटा मसाला होता है, उसके बाद जो टूथब्रश होता है और भी बहुत तरीका का कुछ पैक कर पाएंगे। तो इसका नाम ही स्क्रबर है, लेकिन इससे आप बहुत तरीके का बिजनेस कर सकते हैं एक ही मशीन लेके। तो दर्शकों, जो मशीन आप ये देख पा रहे हैं, ये सिर्फ 25,000 से स्टार्टिंग है, मात्र 25,000 से इसका प्राइस है शुरुआत, ठीक है, सिर्फ 25,000। तो जो मशीन देख पा रहे हैं, जो मैंने बोल ही दिया, सिर्फ 25,000, मात्र 25,000 से स्टार्टिंग है। इसमें आप एक तरह का बिजनेस नहीं, बहुत ही तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, फिर से एक बार बता रही हूँ, इसमें आप जो झूना होता है, बर्तन मांजने वाला झूना, वो पैक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो गरम मसाला, गोटा जो भी मसाला होता है, वो इसमें पैक हो जाएगा। फिर जो टूथब्रश होता है, वो इसमें पैक हो जाएगा। तो एक ही मशीन से आप बहुत तरीके का सामान इसमें पैक कर सकते हैं, और सिर्फ 25,000 से ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। और ये जो मशीन है, इसमें बहुत ज्यादा जगह की भी कोई जरूरत नहीं है, देख ही पा रहे हैं, एक छोटा सा टेबल पे भी बैठाया हुआ है। तो फिर भी मैं एक रूम बता दे रही हूँ, इस 10x10 रूम होने से ही आप ये मशीन जो है ये बैठा सकते हैं। और ये मशीन के लिए ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है, आप खुद भी ये मशीन चला सकते हैं। आपके घर में कोई अगर एजेड पर्सन है, वो भी ये मशीन चला सकते हैं। महिला भी ये मशीन चला सकती है, बहुत ही आसानी से आप ये मशीन को चला सकते हैं। और इसमें ज्यादा करंट की भी जरूरत नहीं है, इसमें मात्र जो घर का करंट होता है उसमें ही आप ये मशीन चला सकते हैं। और जो भी बाकी का है, वो तो हमारे यहाँ पे टेक्नीशियन है, वो आपको डिटेल्स में बता देगा किस तरह से क्या होगा, इंस्टॉल होगा। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी कि किस तरह से आप ये मशीन में काम कर सकते हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगी वीडियो के माध्यम से। तो दर्शकों, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये मशीन में आप काम कैसे कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो दर्शकों, मशीन देख पा रहे हैं, इसको आप ये आसानी से इसको उठा लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, ये जो है ये डाइस है, ठीक है, ये झूना का डाइस है। इसको आप इस तरह से यहाँ पे बैठा देते, बहुत ही आसानी से ये मशीन चलता है। ये आराम से आप एक बार में देख के ही आप सीख सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ब्लिस्टर है, ये ब्लिस्टर इसमें आपको आसानी से बैठ जाएगा। इस तरह से आपको ये बैठा देना है, बहुत ही आसानी से ये आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद आप ये जो झूना है, ये झूना आप इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो मैंने झूना भी इसमें डाल दिया है। तो ये शीट देख पा रहे हैं, ये बहुत आसानी से आप इसको इस तरह से इसमें सेट कर लेंगे, अच्छे से बिठा लेंगे सामान, ठीक है। उसके बाद ये जो मशीन देख पा रहे हैं, इसको आप प्रेस करके इस तरह से इसको दबा देंगे। उसके बाद इसमें तो सेंसर लगा हुआ ही है, जैसे ही जो माल है वो रेडी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मशीन आपको सेंसर जो है जिसमें आवाज हो जाएगी कि आपका जो माल है ये तैयार हो गया है। तो आप ऐसे आसानी से खोल के आराम से देख पाएंगे कि झूना जो है आपका वो प्रॉपरली पैक हो चुका है। तो दर्शकों, आपको तो ये, आपके दिमाग में तो ये सवाल जरूर आएगा कि यही बिजनेस आप क्यों स्टार्ट करें। तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये बिजनेस स्टार्ट करने का यही फायदा है, क्यों ये स्टार्ट करिए मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि देखिए, ये मशीन का दाम मात्र 25,000 है, जिसमें आप एक तरह का नहीं, आप विभिन्न तरह का जो मटेरियल है वो इसमें पैक कर सकते हैं। मैंने बताया ही है, झूना बोलिए, गोटा मसाला बोलिए, टूथब्रश बोलिए, आप ये सब आसानी से पैक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लाभ का परिमाण भी बहुत ज्यादा है। जैसे मैं उदाहरण पे यही बता देती हूँ, आप देख ही पा रहे हैं, ये शीट, ये जो एक शीट है इसमें आपका 12 पैक होता है, आप देख पा रहे हैं, इसमें 12 जो है 12 ठो पैक होगा। तो 12 जो है ये पैक होने में, मतलब तैयार होने में आपका 25 से 30 रुपए कॉस्टिंग पड़ेगा। जो मार्केट में सेल होता है एक ही 10 रुपए, यानी कि 12 120 रुपए में सेल होगा। तो अभी आप होलसेलर में छोड़ेंगे तो होलसेलर में तो 120 में नहीं छोड़ पाएंगे, इसको आपको थोड़ा कम में छोड़ना होगा। तो आप अगर एक एक मतलब
शीट में अगर 10 रुपए भी लाभ रखते हैं तो सारा दिन में तो एक शीट का काम नहीं करेंगे, आप और भी ज़्यादा शीट का काम करेंगे। और भी है, जैसे मसाला वगैरह वो भी पैक करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपका लाभ है। तो इसलिए अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए, बेफिक्र होकर स्टार्ट कीजिए, इसमें लाभ बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यही बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मशीन अगर आप लेते हैं तो इंस्टॉल कैसे होगा, या फिर जो मटेरियल्स है वो कहाँ से मिलेगा, मशीन पे गारंटी वारंटी है या नहीं, टेक्नीशियन जाएगा कि नहीं। तो वो मैं बता देती हूँ कि मशीन अगर आप लेते हैं हमारे यहाँ से तो इंस्टॉलेशन जो भी है, टेक्नीशियन है, वो आपको टोटल दिखा देगा प्रॉपर तरीके से। प्लस मशीन के ऊपर आपको गारंटी वारंटी मिल जाएगी, 1 ईयर का गारंटी, 5 ईयर का वारंटी मिलेगा आपको इस मशीन पे। अगर 1 साल के अंदर मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जो टेक्नीशियन है वो आपके घर पे जाएगा, मशीन प्रॉपरली ठीक करके आएगा। उसके बाद भी अगर मशीन में कुछ दिक्कत आती है तो हम लोग है कंपनी से मशीन एक्सचेंज हो जाएगा, प्लस आपका 5 ईयर का वारंटी तो है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, मशीन में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है, लेकिन मशीन ही तो है, प्रॉब्लम दिख भी सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, कोई भी दिक्कत होता है कॉल कीजिए। ऐसा नहीं है कि मशीन लेने के बाद से आपके साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है, आप कॉल कीजिए, कुछ भी दिक्कत होता है डिस्कस कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सॉल्व कर सके, ताकि आप जो आप ले रहे हैं आपके थ्रू और 2-3 कस्टमर हमारे यहाँ पे आए, तो यही बोलूँगी। प्लस जो मटेरियल्स है सब कुछ आपको हमारे कंपनी से मिलेगी, जो भी मटेरियल्स है लाइफ टाइम आपको हमारे यहाँ से आपको मटेरियल्स मिल जाएगा। तो मटेरियल्स लेके आप निश्चिंत रहिए कि मटेरियल्स के लिए आपको इधर उधर भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस टेक्नीशियन है वो आपके वहाँ पे चला जाएगा, वो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दे के आएगा। तो जो दर्शक है जो नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत कोई को तो एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, लेकिन जो न्यू है, जो एकदम न्यूली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मैं थोड़ा मार्केटिंग का आइडिया दे देती हूँ। देखिए, ये इसका मार्केटिंग करना बहुत ही हार्ड नहीं है, क्योंकि देखिए बर्तन मांजने का झूना होता है वो हर घर में, होटल वगैरह में, हर जगह यूज होता है। तो इसका बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, क्योंकि एक शीट बनाने में मैंने बोला है 25-30 रुपए कॉस्टिंग पड़ता है, जो मार्केटिंग दुकान में 120 रुपए में बिक्री होता है, एक का 10 रुपए लेता है। तो आप एक शीट अगर 25-30 में बनाते हैं, तो मैंने तो तब 10 रुपए बोला था, लेकिन 10 रुपए बहुत कम है, आप इससे भी ज्यादा 20-25 रुपए भी लाभ रख सकते हैं। लेकिन आप जो न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मार्केटिंग आपको पकड़ना है, न्यू में इतना दाम कैसे रखे, इसलिए मैंने तब आपको कम बोला। लेकिन अगर आप चाहे तो और भी ज्यादा भी लाभ सकते हैं, तो मार्केटिंग उतना मतलब दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि आस पड़ोस के दुकान में भी ये आपका आसानी से ले लेगा, या फिर होलसेलर कोई भी दुकान में जाइए, ये आसानी से आपका सेल हो जाएगा। अगर दूसरा जो जितना में सेल कर रहा है उससे आप 5-10 रुपए कम लीजिए, 2-3 रुपए कम लीजिए, तो आपका आसानी से ये सेल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, आपको और भी अच्छे से हम लोग समझाने का कोशिश करेंगे। प्लस ऑफिस का एड्रेस जो है वो भी दिया हुआ है, मैं बता दे रही हूँ, हमारा जो ऑफिस है ये सिलीगुड़ी हैदरपाड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स के ठीक ऑपोजिट गली में ही हमारा ऑफिस है। तो आप कोशिश कीजिए विजिट करने का, विजिट करने से हम आपको और भी अच्छा बिजनेस का आइडिया आपको दे पाएंगे, किस तरह से लेंगे नहीं लेंगे। तो आप कॉल कीजिए, कॉल करके ऑफिस विजिट कीजिए, सुविधा होगा, बहुत ही सुविधा होगा। तो दर्शकों, आपको बहुत धन्यवाद, इतना टाइम देके आप वीडियो को एंड तक देखे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी न्यू जो बिजनेस का आइडिया है वो आप तक पहुंच जाए, और दूसरों तक भी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।